प्रश्न एक, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र या एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटोनोम परमाणु संयंत्र, सी कुड़ानकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। प्रश्न दो, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है? ऑप्शन ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। दोनों ही यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीन, आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है शाहजहां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। प्रश्न चार, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ए पुराण, ऑप्शन बी है जातक, सी है मुंडकोपनिषद, डी है महाभारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। प्रश्न पाँच, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मणी, सी देवनागरी, डी हायरोग्लाइफिक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मणी। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मणी है। प्रश्न छः, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए आसाम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आसाम। बिहू आसाम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। प्रश्न सात, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी है केरल, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न आठ, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नौ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, सी मुंबई में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। प्रश्न दस, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है।